अक्षय कुमार ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर बन गए हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक साल में 700 करोड़ की कमाई की। 2015 में सलमान खान ने वन ईयर क्लब में 500 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उस साल उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान ने 320 करोड़ 34 लाख और प्रेम रतन धन पायो ने 210 करोड़ 16 लाख का बिजनेस किया था। दोनों का टोटल कलेक्शन 530 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया था। लेकिन अक्षय ने न केवल 500 करोड़ क्लब में एंट्री की बल्कि सलमान और रणवीर से काफी आगे निकलकर नया 700 करोड़ क्लब बना दिया। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार आए दिन नए नए रिकॉर्ड बनाने में जुटे हुए हैं। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपनली बात करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही दोनों सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों की शादी की खबरें सुर्खियों में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों साल 2020 में शादी कर सकते हैं। तो हाल ही में जब मलाइका से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी उनके बहुत सारे प्लान्स हैं। मलाइका ने कहा, मैं अभी अपनी टीम के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं कभी कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे लिए साल 2019 बहुत अच्छा गया है क्योंकि मुझे एक बिजनेस वुमन के तौर पर पहचान मिली है। शादी की बात करें तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम एक समय पर एक ही कदम उठा सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म छपाक के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू में दीपिका से फिल्म छपाक के अलावा प्रेगनेंसी को लेकर सवाल किया गया, जिसका जवाब दीपिका ने बेहद शानदार तरीके से दिया। एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका से उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या मैं प्रेग्नेंट दिखाई दे रही हूँ? मैं जब भी फैमिली प्लानिंग करूंगी तो आपसे पूछ लूंगी, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं प्लान करूंगी। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो सभी को 9 महीने में पता चल जाएगा। दीपिका पहले भी अपनी प्रेगनेंसी पर ये बात कह चुकी हैं कि अभी वो और रणवीर अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। रियल लाइफ कपिल देव रणवीर सिंह ने रियल लाइफ कपिल देव को जन्मदिन की बधाई दी है। कबीर खान की डायरेक्शन में बन रही फिल्म 83 में काम कर रहे रणवीर सिंह फिल्म में पूर्व कप्तान कपिल देव के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 1983 के विश्व कप में भारत की शानदार जीत पर बेस्ड है। रणवीर सिंह ने कपिल देव के जन्मदिन के मौके पर उनके साथ अपने सेशन के कुछ स्पेशल पिक्चर्स शेयर की हैं। वहीं फिल्म के मेकर्स ने कपिल देव के बर्थडे के मौके पर उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। बॉलीवुड के भाईजान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में सलमान सड़कों पर साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं, साथ ही सलमान अपने फैंस को वेव करते भी नजर आ रहे हैं। सलमान अपने फिटनेस को लेकर अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं और कई बार उन्हें साइकिलिंग करते हुए पहले भी देखा गया है। सलमान अपने ब्रांड ह्यूमन बीइंग को काफी प्रमोट करते भी नजर आते हैं। कैमरे के सामने आते ही ये गड़बड़ कर देते हैं अक्षय कुमार। रोहित शेट्टी ने खोला राज। अक्षय कुमार की फिटनेस से लेकर उनकी सुबह उठने की आदत तक बहुत कुछ ऐसा है जिससे जुड़ी बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब किसी डायरेक्टर ने कैमरे के सामने नजर आने वाले अक्षय कुमार की कमजोरी का खुलासा किया है। जी हाँ, डायरेक्टर रोहित शेट्टी की माने तो साल में 4 फिल्में करने वाले अक्षय कुमार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो वो कैमरे के सामने दोहराते हैं। अक्षय कुमार रोहित शेट्टी के साथ पहली बार फिल्म सूर्यवंशी में नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी ने एक चैट शो में इस बात का खुलासा किया है। रोहित शेट्टी का कहना है कि अक्षय अपने किरदार का नाम तक भूल जाते हैं। जब हम हैदराबाद में अपनी फिल्म का आखिरी शेड्यूल की शूटिंग कर रहे थे तो उसने कहा, नाम क्या है मेरा? सूर्यवंशी। वो सब कुछ भूल जाते हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर पिछले महीने रिलीज हुई डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की हिस्टोरिकल ड्रामा पानीपत में नजर आए थे। वहीं अब अर्जुन कपूर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन की बेसब्री का अंदाजा उनकी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से लगाया जा सकता है। अर्जुन कपूर ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। इस स्टोरी पर उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है और वो 2020 के शेप का चश्मा पहने हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, फिर से शूटिंग करने की जरूरत है। आपको बता दें, इससे पहले अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पिक्चर्स शेयर किए थे। इनमें वो अपनी को स्टार रकुलप्रीत सिंह के साथ नजर आ रहे थे, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया था, पिक्चर शुरू, बाकी जानकारी भी जल्द ही अपलोड होगी।
हाल ही में बॉलीवुड 2020 में हमने आपको बताया था कि टाइगर श्रॉफ इन दिनों जयपुर में फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग कर रहे हैं। सेट से पिक्चर्स और वीडियोस का भी हमने आपको दीदार करवाया था और एक बार फिर से सेट से टाइगर और रितेश की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस हमारे हाथ लगी हैं। सेट से लीक हुई पिक्चर्स में हम देख सकते हैं टाइगर जहां ब्लैक चेक शर्ट में नजर आ रहे हैं तो वहीं रितेश देशमुख पुलिस की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। टाइगर और रितेश ने जहां जयपुर में फिल्म के लास्ट शूटिंग शेड्यूल को शुरू कर दिया है तो वहीं इस लास्ट शेड्यूल की शूटिंग को श्रद्धा आज से ज्वाइन करेंगी। इतना ही नहीं, जयपुर में दोनों का साथ में एक पेपी नंबर भी शूट किया जाएगा। आपको बता दें कि श्रद्धा फिल्म की शूटिंग के लिए जयपुर रवाना हो चुकी हैं। हाल ही में श्रद्धा को हमने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया है। कैटरीना कैफ सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव हैं ये तो हम सभी जानते हैं। कैट अक्सर अपने फैंस के लिए इंटरेस्टिंग पिक्स अक्सर शेयर करती रहती हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। कैटरीना की बहन इजाबेल आज अपना 29th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इसी मौके पर कैटरीना ने भी अपनी बहन को विश किया। कैटरीना ने इजाबेल के साथ अपनी एक पुरानी पिक्चर शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, हैप्पीएस्ट बर्थडे इजाबेल कैफ, ऑलवेज गॉट योर बैक। कैटरीना के इस पोस्ट पर सुनील ग्रोवर ने भी कमेंट किया। सुनील ने कमेंट करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे इजाबेल कैफ, विशेज एंड लव। वहीं कैटरीना के इस पोस्ट पर सिस ने भी जवाब में अपनी बहन को थैंक्स कहा। तैमूर को पसंद नहीं पैपराज़ी के अटेंशन। सैफ और करीना के बेटे तैमूर सोशल मीडिया के फेवरेट स्टार किड हैं और अक्सर उनकी कई पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। लेकिन तैमूर के पिता सैफ ने बताया है कि तैमूर को इतनी पैपराज़ी अटेंशन पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि उसे नॉर्मल रहने दिया जाए और इग्नोर किया जाए। वो अब कैमरे को देख कहता है नो पिक्चर और परेशान होने लगता है। उसे ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, वो इतनी भीड़भाड़ से एक्साइटेड नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अगर बात की जाए तो ये एक फैक्ट है कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और मुझे भी उसे देख काफी खुशी होती है क्योंकि वो क्यूट बच्चा है तो मैं समझता हूँ कि उसे लेकर ये लोगों का प्यार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली से कभी कभी पब्लिक प्लेसेस या फिर जब वो स्कूल जाता है तब काफी क्राउड हो जाता है जिससे उसे परेशानियाँ होती हैं। फिल्म वॉर की सक्सेस के बाद अपनी गर्ल स्क्वाड के साथ न्यू ईयर मनाकर लौटी एक्ट्रेस वाणी कपूर ने हाल ही में ट्रोलर्स को कड़ा जवाब दिया है। दरअसल वाणी ने एक मिरर सेल्फी शेयर की थी। इस सेल्फी पर कई फैंस ने पॉजिटिव कमेंट्स किए। हालांकि कई ऐसे भी थे जो वाणी को ट्रोल करना चाहते थे लेकिन वाणी ने भी इन कमेंट्स को इग्नोर नहीं किया और वाणी के ट्रोलर्स को दिए गए जवाब के स्टाइल की कई फैंस तारीफ कर रहे हैं। एक ट्रोलर ने उनकी तस्वीर को लेकर कहा है कि वो मर्दाना लग रही हैं। वाणी ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें पता होगा कि तुम कुछ नहीं बल्कि एक अटेंशन सीकर हो, लेकिन अब भी समय है, अपने आप से निराश मत होना, तुम्हें अभी भी मदद मिल सकती है जिसकी तुम्हें दरकार है। नीतू कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो आए दिन अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट करती रहती हैं। इतना ही नहीं, आलिया की पिक्स पर तो वो अक्सर कमेंट करती रहती हैं। हाल ही में नीतू ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पिक शेयर की है। इस पिक में वो खुद तो नजर नहीं आ रही हैं लेकिन इस पिक में उनके बेटे रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर नजर आ रही हैं। नीतू ने अपने दोनों बच्चों का कोलाज बनाया है। इतना ही नहीं, इस पिक को शेयर करते हुए नीतू ने फैंस को लाइफ के बारे में एक गोल्डन एडवाइस भी दी है। पिक को शेयर करते हुए नीतू कपूर ने कैप्शन में लिखा, लाइफ is all about amazing experiences. Learning never ends, no matter what age. It enriches and strengthens you to face all adversities in life. The lows are the best teachers. Learn so much from these two each day. Their balance, calmness, humility. टीवी स्टार हिना खान अपने टीवी शो से ब्रेक लेकर बॉलीवुड और डिजिटल प्रोजेक्ट को पूरा करने में बिजी हैं। बट हिना के फैंस उन्हें फिर से देखने के लिए बेकरार हैं। लेकिन अब टीवी की पुरानी कमौलिका ने अपने वेब शो डैमेज 2 का पहला फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर में हिना खान डेंजरस अंदाज में नजर आ रही हैं। टीवी की क्वीन हिना खान का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। इस वेब शो में हिना खान का किरदार सस्पेंस से भरा है। ये बात इस वेब शो के फर्स्ट लुक को देखकर भी साफ पता लग रही है। इस पोस्टर को रिलीज करते हुए हिना ने लिखा, अपने पहले डिजिटल प्रोजेक्ट डैमेज 2 का फर्स्ट लुक रिलीज कर रही हूँ। 14 जनवरी से ये स्ट्रीम होना शुरू होगा। इस वेब शो में हिना खान नामी टीवी कलाकार और एंकर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ नजर आने वाली हैं।
स्ट्रैप ड्रेस में बीच पर दौड़ती नजर आई नीना गुप्ता, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नीना गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, वो अक्सर अपने फैंस के लिए वीडियोस और फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक और स्लो मोशन वीडियो शेयर किया है। आपको बता दें, हाल ही में नीना गुप्ता की फिल्म द लास्ट कलर ने ऑस्कर अवार्ड्स की फीचर फिल्म की लिस्ट में जगह बनाई है। नीना गुप्ता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो बीच पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, हैप्पी न्यू ईयर। नीना गुप्ता के इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट की बौछार कर दी। सलमान खान ने साल 2015 में फिल्म हीरो से सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। इसकी बड़ी वजह दोनों एक्ट्रेस के बीच की गहरी दोस्ती थी। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने अपने दोस्त सलमान की तारीफ करते हुए बताया है कि वो कितने जमीन से जुड़े इंसान हैं और कैसे वो दूसरों के इल्जाम भी अपने सिर ले लेते हैं। दबंग खान और अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए सुनील ने कहा, मुझे लगता है कि बाकी चीजों को अलग कर दिया जाए तो भी सलमान मेरे काफी क्लोज हैं। हम दोनों हर महीने में जरूर मिलते हैं और महीने में एक बार मैं उन्हें यूं ही उनसे हाय कहने चला जाता हूँ। मिलने पर हम दोनों काफी बातचीत करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि सलमान अच्छे बच्चों में से एक हैं, लेकिन मैं हमेशा से ही कहता आया हूं कि वो एक शानदार इंसान हैं। वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसके अलावा भी सुनील ने काफी कुछ कहा। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार विद्या बालन जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म शकुंतला देवी में नजर आने वाली हैं। फिल्म की कहानी मैथमेटिशियन शकुंतला देवी पर बेस्ड है। फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। शकुंतला देवी को अनु मेनन डायरेक्ट कर रही हैं। दरअसल विद्या बालन ने हाल ही में एक न्यूज पोर्टल से बात की, जहां उनसे वुमेन सेंट्रिक फिल्मों से जुड़ा एक सवाल किया गया कि आज ज्यादा संख्या में वुमेन सेंट्रिक फिल्में बन रही हैं और हालांकि कमाई के मामले में वो आज भी मेल सेंट्रिक फिल्मों से कुछ पीछे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए विद्या बालन ने बिना समय गवाए कहा कि इस बारे में आप मिशन मंगल का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिल्म में बड़े एक्टर अक्षय कुमार हैं। विद्या बालन ने आगे कहा कि आने वाले कुछ समय में हालात बदल सकते हैं और फीमेल एक्ट्रेसेस की फिल्में 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपए कमा सकती है। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने कार्तिक आर्यन को डायरेक्टर अनीस बज्मी के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया। इस दौरान कार्तिक को हमने कैजुअल लुक में कैप्चर किया। पीयूष गोयल ने भी बॉलीवुड फर्टिलिटी के लिए डिनर पार्टी होस्ट की, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज नजर आए। शिल्पा शेट्टी को भी हमने अपनी फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया। आलिया फर्नीचर वाला को भी हमने पूजा एंटरटेनमेंट ऑफिस के बाहर कैजुअल लुक में कैप्चर किया। कंगना रनौत को भी हमने बांद्रा में डांस क्लासेस के बाहर स्पॉट किया। मलाइका अरोड़ा को भी हमने बांद्रा में स्पॉट किया। नुशरत को भी हमने बांद्रा के सीक्वल रेस्टोरेंट के बाहर कैप्चर किया।